अपने सत्कारयोग नौजवान भाइयों जो अज स्टेज चला रहे हैं उनके मान सम्मान में गज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। आज अपने अंदोलन का जी 94 दिन के बाद आज एक अपना यूथ स्टेज की अगुवाई कर रहा है। 94 दिन के बाद पहली बार आज मैंने जिम्मेवारी मिली है नौजवानों स्टेज के ऊपर अगुवाई करने की। आपा धन्यवाद करा जी संयुक्त किसान मोर्चे का जो युवा अपने यूथ नू इतना मान सम्मान बख्शा गया है। इस अंदोलन यूथ का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है जी। हम मनना है भी अपने आगुआ ने मानू यहां तक लेकर बिठाया है, पर इतना ही रोल मारे यूथ का है जहां उन्हें बार्डर बते यहां तक लेकर आने का या उसके बाद इस आंदोलन नू कामयाब करने का। यहां तक अपा सारे का सारा यूथ संयुक्त मोर्चे गल अज तक मोटे गल मोटा लेकर चले जी। सारा यूथ अज मोटे गल मोटा लेकर पहला भी खड़ा था अज भी खड़ा, कोई कसर नहीं यूथ ने छोड़ी है इस आंदोलन नू कामयाब करने वास्ता। अपनी जान तक की भी बाजी लाई भाइयों ने, चाहे अपना नवरीत भाई जो पुलिस की गोली लगकर शहीद होया था उन्हें अपनी जान की बाजी भी लाई है, और भी बहुत से अपने युवा भाई है जिस तरह मनदीप भाई हो गया पत्रकार जो उनसे अपना जेल में भी गया था उठा ले गए थे, उसने भी कोई कसर नहीं यूथ ने छोड़ी है। और भी बहुत भाई है अपना रणजीत भाई हो गया, नवदीप कुड़ी होगी, सारे ने पूरा योगदान पाया इस अंदोलन को कामयाब करने वास्ता। तो अपन अज हम यही कहा सारे भी संयुक्त मोर्चे भी अपील कराया भी अज मन सब नेड़ा लाने की जरूरत है, सारे नेड़ा लाने की जरूरत है। अपन अज जिस तरह नवरीत के दादे जी कह गया कि पुरानी बातों भुल गा इस यूथ के योगदान का पूरा सम्मान कर जहा सब नेड़ा लाओ। जोड़ से भाई अज हमारे अंदर भी है या जिनके उपर अपना यो नोटिस आ रहे हैं जिनके उपर या होर भी अपने नौजवान भाई हाँ सारे अज अपन नेड़ा लाने की जरूरत आ, क्योंकि सरकार ने टाइम टाइम पर षडयंत्र रचे आ हमेशा भी हाँ किस तरह अंदोलन मतलब फैल कर जहा जिस तरह जहाँ अपना पुराना इतिहास है देख लो भगत भगत की सरकार ने तो भगत सिंह नहीं छोड़ा था, उन्होंने भी आतंकवादी करार दे दिया था और उनका कितना बड़ा योगदान था इस देश को आजाद कराने वास्ता। करतार सिंह सराबे हर फांसी पर चढ़ाया, ऊधम सिंह हर फांसी पर चढ़ाया। तो मन सरकार के षडयंत्र के अंदर आने की कोई लड़ नहीं है, अपन इसका पूरा डट का सामना करना है। तो हमारा फर्ज बना अज सारे का भी हाँ अपन संयुक्त मोर्चे का भी आगू आगे गैर पुरानी बातों भूल गा सारे का सारा इनू नेड़ा लाओ। जब नेड़ा लावे एका बनागा उही एका मन यहां से जितेगा लेकर जागा सारे एके की जरूरत है या सारे का सारा नौजवान अज सारे का सारा नौजवान अज संयुक्त मोर्चे गल मोटा लेकर खड़ा आ, पहला भी खड़ा था अगे भी खड़ा आ। बाकी जी यूथ नू भी बेनती कराया जो लड़ाई मारी आ, क्योंकि अजय यूथ का प्रोग्राम आ जो लड़ाई मारी आ हम बहुत इस आने वाले टाइम के अंदर अपना अगर हम यहाँ से जीत कर जाएंगे तो एक बढ़िया फ्यूचर अपना वेट कर रहा है भी एक अपना बढ़िया आने वाला टाइम भी हाँ आप कल बढ़िया जिंदगी जुआंगे। जय उरे ते कहीं वापस चले गए ना फिर वही अपनी जेलां वही अपना अंधकार और गुलामी अपने पीछा खड़ी आ। तो मन पूरे डट का सारे यूथ ने यो लड़ाई लड़नी है पूरे डट का तगड़े होगा, चाहे अपन वो सोशल मीडिया के राही हो गया चाहे अपना ग्राउंड लेवल पर हो गया। तो हमारी फर्ज बना सारे यूथ का भी पूरे डट का लड़ना है और एको मुद्दे पर लड़ना है, किसानी वाले मुद्दे पर रहेंगे तो आप लड़ाई जीत जाएंगे। अपन कोई भी मुद्दा इधर उधर नहीं करना, किसानी के मुद्दे पर रहेगा लड़ाई लड़नी है। तो अपन सारे एक किसानी के मुद्दे पर इकट्ठे होगा पूरे डट का इस लड़ाई का सामना करना है। और हम सारे यूथ गनी दे विश्वास ले रहे हरियाणा पंजाब गनी दे भी हाँ सारे संयुक्त मोर्चे गल मोटा लेकर खड़े हैं, मानो अपने आगुओं का भरोसा है भी हाँ मानो यहाँ देख दिन जीत दे लेकर ले जाएंगे। बाकी जी सारे यही बेनती है भी हाँ पूरे डट का खड़े रहियो। बाकी आज के बाद इस संघर्ष के अंदर रोल बदल जाएगा, इब युवा मैदान में आ गया माहौल बदल जाएगा। बाकी जी बाकी सारे जी डट का खड़े रहियो, जीत का जाना यहाँ से जीत का, सब ने यही बेनती है भी एको मुद्दे पर किसानी पर रहेगा पर जीत का जाएंगे।